हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कनन राजपूत और आज का हमारा टॉपिक है पाइसेस यानी कि फिशेस। इसके बारे में हम 6 पॉइंट को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट होगा हमारा इनहैबिट, सेकंड रेस्पिरेटरी, थर्ड हर्ट, फोर्थ मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, फिफ्थ फिजिकल करेक्टर्स एंड फीचर, सिक्स एग्जाम्पल। हिंदी बात करें तो मछली के बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट निवास, सेकेंड श्वासन, थर्ड हृदय, फोर्थ शरीर के तापमान, फिफ्थ भौतिक विशेषता या लक्षण और सिक्स उदाहरण। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हम इसी तरह के एजुकेशन वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इनहैबिट यानी कि निवास स्थान। मछलियों की अगर हम बात करें तो ये वाटर यानी कि पानी में इनका निवास स्थान होता है। सेकेंड रेस्पिरेटरी, श्वसन या सांस लेना। तो जो मछली है वो गिल से यानी कि गल फाड़ से सांस लेती है, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं। थर्ड हार्ट, हृदय। अगर मछलियों के हृदय की बात करें तो ये टू चैम्बर यानी कि दो कक्ष के होते हैं। फोर्थ मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, शरीर के तापमान। अगर हम मछलियों के तापमान की बात करें तो ये कोल्ड ब्लड यानी कि ठंडे खून की होती है। फिफ्थ पॉइंट है फिजिकल करेक्टिक्स एंड फीचर, भौतिक विशेषता या लक्षण। ए, देयर स्किन इज कवर्ड विद स्केल्स एंड प्लेट्स। अ, उनकी त्वचा तराजू और प्लेटों से ढकी हुई होती है, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं। ये मछली के ऊपरी भाग पे जो कि लाल एरो से दिखा रखे है, और आप इधर देख सकते हैं दूसरी फोटो में जहां पे कि ब्लैक एरो से हमने आपको दिखा रखा है, तो उसको तराजू या प्लेट्स कहते हैं, जो कि फिशेस में मछली में आमतौर पे देखा जाता है। बी, दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड फिन्स विच हेल्प देम टू मूव इन वाटर। ब, उन्होंने शरीर और पंखों को सुव्यवस्थित किया है जो उन्हें पानी में जाने और तैरने में मदद करते हैं, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं। साथ में आपको वीडियो के माध्यम से हम ये भी दिखाएंगे कि किस प्रकार से मछलियां पानी में गति कर पाती यानी कि तैर पाती है। सी, दे लिंग एग्स फ्रॉम विच द यंग वंस हेज आउट। स, वह अंडे देते हैं जिनसे युवा या बच्चे बाहर निकलते हैं, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं। डी, फर्स्ट सम फिश हैव स्केलेटन मेड ऑफ कार्टिलेज लाइक शार्क्स, स्ट्रिंग रेस एक्सेट्रा। कुछ मछलियों के कार्टिलेज से बने कंगाल होते हैं, जैसे शार्क, स्ट्रिंग रे आदि। डी, सेकेंड सम हैव स्केलेटन मेड ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज लाइक टूना, रोहू एक्सेट्रा। कुछ मछलियों के हड्डियों और कार्टिलेज से बने कंगाल होते हैं, जैसे टूना और रोहू आदि। सिक्स एग्जाम्पल, उदाहरण, स्ट्रिंग रे, शार्क, टूना, रोहू आदि। आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा, और साथ में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।